सरकार ने बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण को सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोला है, परंतु बड़े अफसोस की बात है भदोही जनपद अभोली ब्लॉक के नागबलपुर गांव की आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित व नियमानुसार पोषाहार वितरण न होने से बिटोला देवी सहित 30 परिवारों को पिछले 5 साल से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी वाली पढ़ावत है कि कभो हमें सितुआ दे नहीं सभी 4-5 लड़कियाँ हमारे हो गए कभो ऐसे भी दे नहीं सकत गए और जब जब कहो तो तब कहें कि चला यहाँ नहीं वहाँ ऐसे ऐसे करत करत जब हमके 2-3 नया लौटाई दी हम फिर गब नहीं की हमें कोई जानकारी देवे नहीं करती हम जाए क्या तब और जो होता है तो उनको अपन बेच के नहीं खाई डालत है कि नहीं गाय के भैंसी की नहीं 200-250 बोरिया बेच देते हैं कि नहीं क्योंकि जानकारी नहीं देते हैं। हम ये चाहे थे मैडम जी कि नहीं यहाँ जब पोषाहार फैलाए हैं सरकार जी तब यहाँ पर दे चाहता है कि नहीं हम सब कमजोर हो जाता है लड़का कमजोर हो जाता है कि नहीं को सुरक्षित नहीं लड़कियाँ होते हैं कतो विकलांग हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं। आपके सितुआ मिलत है? हाँ सितुआ मिलत है माने कि 2-3 महीना पर एक बार दही नहीं नहीं मिलत देवे नहीं करते तो सितुआ ना मिले से का परेशानी बाहे परेशानी यही है कि अब वो रहत न गदेलन बाहन कमजोर है ना खाई पी तो हम लच्छी देहंगर हो अब है ना कोई परेशानी भी और का दिक्कत हो जाती बीमार हो जाती सितुआ मांगे कब हो गए रही हाँ जाए थे ना ही देते। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि यहाँ पर नियमित व नियमानुसार पोषाहार का वितरण हो ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि अभोली ब्लॉक के CDPO जिनका मोबाइल नंबर है 97-93-15-40-72 पर कॉल कर दबाव बनाए जिससे पोषाहार वितरण हो सके। मैं केसा देवी भदोही जिला से इंडिया अनहट के लिए।